किसी भी होटल या रेस्टोरेंट की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश है ये वेजिटेबल झाल फ्रेज़ी, जो कि मैंने बिल्कुल सेम तरीके से बनाई है और बहुत टेस्टी बनती है। सेम इंग्रेडिएंट्स और मसालों का इस्तेमाल किया है। आप घर पे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताना ज़रूर कि क्या टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है इसका। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मैंने इसे इतना टेस्टी बनाया कैसे है। सबसे पहले अगर आपके पास लोहे का पैन है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाले हैं और ये बटर डाला है। बटर हम ऑयल डालने के बाद डालेंगे और इसमें कलौंजी डाली है, अनियन सीड्स 1 चम्मच। ये कलौंजी में ही बनती है ये रेसिपी और इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसमें मैंने सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं 3। इसे फ्राई कर लेंगे और उसके बाद मैंने कुछ मध्यम आकार में काट के सब्जियां डाली है। लंबे आकार में गाजर डाली है काट कर, करीब 1 से 2 गाजर, और गोभी को मैंने थोड़ा बड़े आकार में इस तरह से चॉप करके डाला है। अच्छे से आपको गोभियों को और सब्जियों को फ्राई करना है। जब आपको थोड़ा सा बर्न सा लुक आने लगे, लगे कि सब्जियां थोड़ी सी जलने लगी हैं, उसके बाद आप इसके अंदर फ्रेंच बीन्स डाल दोगे 1/4 कप, वो भी लंबे आकार में काटनी है आपको। उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो सब्जियां ज़्यादा पकने में टाइम लेती हैं वो पहले डालेंगे और बाद में स्टेप बाय स्टेप जो कम समय लेती है वो लास्ट में। इसमें मैंने 3 प्रकार की शिमला मिर्ची डाल दी है लंबे आकार में काट कर, और ये सबसे लास्ट में डाली है क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। केवल 2 मिनट हम टॉस करेंगे, हमें सब्जियों को अब ज़्यादा पकाना नहीं है। उसके बाद इसको हम सारी सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैंने सब्जियां निकाल ली, क्योंकि मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है। अब वापस से सेम पैन के अंदर बचे हुए तेल और कलौंजी में मैं पनीर के भी लंबे आकार में, पनीर को मैंने मोटा मोटा काट के इसको भी फ्राई कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल बर्नट जैसा आपको लगने लगेगा पनीर। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पलट पलट के सेक रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पनीर को सेकना है। ये देखिए जब पनीर बिल्कुल इस तरीके से भुन जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तब तक आपको इसे फ्राई करना है। ये देखिए तेज़ आंच का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। लोहे की अगर कढ़ाई है तो बेस्ट है, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट में लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है और उससे जो सब्जियों के अंदर फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसे आप घर में ज़रूर बना के ट्राई करिए, क्योंकि एक बार अगर आप ये बना लोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इस सब्ज़ी को हर हफ्ते बनाना पसंद करोगे। फिर से हमने इसमें भुनी हुई अपनी लाल मिर्च और ये मैंने प्याज का पेस्ट जो कि मैं बना के रख लेती हूँ, मैं आपको जल्दी ही बताऊँगी ये मैं कैसे बनाती हूँ। प्याज को मिक्सी में पीस कर उसे तेल में पका लेती हूँ जब ब्राउन होने तक। इसमें टमाटो का पेस्ट भी मैंने आधा कप के आसपास डाल दिया है, आधा से 1 कप, और वो भी मैं भून के रख लेती हूँ मिक्सी में पीस कर ऑयल में फ्राई करके ऑयल छोड़ने तक। और इन दोनों को हम मिला लेंगे, इससे टाइम बचता है। आप लोगों को मुझे फटाफट रेसिपी बना के दिखानी होती है। ये मैंने चॉप जिंजर, जो अदरक होती है, उसको मैंने इस तरह से एकदम फाइनली चॉप करके डाला है, और ग्रीन चिलीज़ को भी फाइनली चॉप करके डाला है। ये टमाटर का प्योरे है जो कि मैगी का ही आपको लेना है, हॉट एंड स्वीट टमाटो केचप। कोई दूसरा टमाटो केचप डालोगे तो टेस्ट वैसा नहीं आएगा, आपको मैगी का ही हॉट एंड स्वीट टमाटो केचप ही लेना है। टमाटर के पेस्ट की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है कि मैंने कैसे बनाया था, चेक कर सकते हैं आप। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ये मैंने इसके अंदर चाट मसाला आधी चम्मच डाला है, और ये मैंने पाव भाजी मसाला 1 चम्मच। इतने ही मसाले इसके अंदर जाएंगे, इसे भी हम अच्छे से ऑयल छोड़ने तक भून लेंगे। टमाटर का पेस्ट आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैं ऑलरेडी रेसिपी पोस्ट कर चुकी हूँ। ये मैंने फ्रेश क्रीम, जो कि अमूल की क्रीम मैंने इस्तेमाल करी है, 2 बड़े चम्मच आप इसमें डाल दीजिए। इसे भी अच्छे से ऑयल छोड़ने तक हम भून लेंगे। ये हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हम कच्चा प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची डाल देंगे। जी हाँ, इसे डालने के बाद जो सब्ज़ी की जो ग्रेवी होती है उसका जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। मसाले अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं और जो कच्चा फ्लेवर आता है हरी मिर्च, प्याज और टमाटर का एंड में, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप ये इस तरीके से ज़रूर बनाएं। ये 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसे भी भून लेंगे। ये हमारी ग्रेवी जो है बनके, जो बेस है इसका वेजिटेबल जालफ्रेजी का, तैयार हो चुका है। इसमें मैंने अपनी सारी फ्राइड सब्जियां
अच्छे से डाल दी है, इसे हम मिला लेंगे। हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, गैस को हम बिल्कुल बंद कर देंगे इस टाइम पर, क्योंकि हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। इसे गार्निश करेंगे धनिए से और गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे आप इसे फ्राइड राइस के साथ खा सकते हो, चाहे आप इसे चपाती के साथ, चाहे तंदूरी रोटी के साथ, लच्छा पराठा के साथ, ये बहुत ही यमी लगती है। तो घर में ज़रूर बना के देखिए। और आप लोग जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना, मैं सच बता रही हूँ, आपके कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि मैं हर दिन अच्छी से अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए अपलोड करने की सोचती हूँ। थैंक यू सो मच।